फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में जगह है ऑकलैंड। वहां पे एक ट्रैवलर जा रहे थे और उनको दिल्ली एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि भाई न्यूजीलैंड का वीजा आपको मिल गया है, ई वीजा, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रैवल आपके लिए रिस्क भरा हो सकता है। हो सकता है कि आपको बोर्डिंग डिनाई कर दें, क्योंकि ऐसा उनके साथ हो चुका है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगे, तो शेयर होकर और लोगों के साथ भी कर देना, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और सेफली लोग ट्रैवल कर सकें। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूजीलैंड के ट्रैवल के बारे में। तो भाई, अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया कि सर, ऐसे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। तो मैंने बोला कि सर, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो वीडियो में आके, तो उन्होंने मना कर दिया। पर्सनल रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ किस वजह से नहीं आए होंगे। तो देखो, वीडियोस में मोस्टली शेयर करता हूँ जहाँ से भी लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसे नहीं जाने दिया, ऐसे वैसे नहीं जाने दिया। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को, और ये रीज़न उनका मेन एक ही रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई मोस्टली मोस्टली जो अपने इंडियन भाइयों की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं, वो जाके किसी भी कंट्री में वापस नहीं आते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम चीज़ अब न्यूजीलैंड के लिए भी हुई है। न्यूजीलैंड मोस्टली लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे थे, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो मेरे हिसाब से वापस नहीं आए हैं। और इमिग्रेशन को रिपोर्ट मिली है, इमिग्रेशन ने एयरलाइन को इंटीमेट किया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पे भी फिर ड्रामा स्टार्ट हो गया है, लोगों को रोका जा रहा है। तो अगर आपका वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, तो भाई थोड़ा ध्यान से ट्रैवल करना, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट को और कंट्री की तरह न्यूजीलैंड के लिए भी अब रोकना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, लेटेस्ट अपडेट आई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी भाई के पैसे बच जाएँ। ठीक है, तो यही था भाई। और तो ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, डॉक्यूमेंट्स उनके पास सभी थे, उनके पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और कैश, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं नॉर्मली, सब डॉक्यूमेंट उनके पास थे। तो अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है, या वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि भाई न्यूजीलैंड वो जा रहा था दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, कहीं से भी इंडिया में, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर आप भी लोगों को बताना चाहते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। ठीक है, और भाई तो बी केयरफुल, अगर इफ़ यू ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड फ्रॉम दिल्ली, तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यही था इस वीडियो में, बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई भी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन होगी, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। और सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई नया बंदा आया है तो। और बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।